प्यारे बच्चों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि डीएनए अमर है। डीएनए क्या है? अमर है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि डीएनए अमर है, न इसे काटा जा सकता है, न इसे जलाया जा सकता है, बल्कि यह आत्मा की तरह अपनी कॉपी बना भी सकता है। तो जैसे आत्मा अपनी कॉपी बदल सकती है, अपने शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, ऐसे डीएनए भी अपनी कॉपी बढ़ा सकता है, अपनी तरह कॉपी बना सकता है। जब डीएनए अपनी जैसी एक कॉपी और बनाता है तो उसे डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। ये बात श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन ने मेरे कान में कहा। अब देखिए अर्जुन ने क्या कहा। तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या है, देखिए, इट इज अ मेथड। अगर आप देखें, इट इज अ मेथड इन विच अ डीएनए मॉलिक्यूल, अ पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्स इट्स न्यू आइडेंटिकल कॉपी, अपनी ही तरह से एक नई कॉपी बनाता है। जैसे आप ये देखें, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और अपने ही जैसे ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल बना दे, अपनी जैसे सेम आइडेंटिकल कॉपी बना दे, तो इसे हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। ये देखिए, ये तो एक डीएनए है, एक डीएनए से दो डीएनए बना। इस डीएनए को हम लोग कहेंगे भाई ये पेरेंट डीएनए है, इसी डीएनए से इसे पेरेंट डीएनए कहते हैं, और इसे आप कह सकते हैं कि ये तो सर डॉटर डीएनए है। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए बात कह सकते हैं। तो ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा कि एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए आइडेंटिकल कॉपी बनाता है तो इसे हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। तो अब आप इसकी साइट देखिए या टाइम देखिए कि किस टाइम ऐसा होता है। टाइम अगर देखा जाए, टाइम तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है, अगर उसका टाइम देखा जाए, प्रोकैरियोटिक सेल का टाइम देखा जाए, तो कंटिन्यूअस इन सेल साइकिल, पूरे सेल साइकिल में, मतलब इंटरफेज में ये चलता रहता है। कोई इसका निश्चित फेज नहीं है। मेनली आप कह सकते हैं कि इंटरफेज के किसी फेज में हो सकता है, लेकिन बेटा अगर यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है इसका जो रिप्लिकेशन होता है यू एस फेज में होता है, सेल साइकिल का यस फेज आता है। आइए हम आपको पुरानी बात याद कराते हैं। जैसे आपका जो ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप समझ रहे हैं ना, ब्रेकअप मतलब आप वो समझिए जो आप ब्रेकअप समझते हैं। ब्रेकअप का मतलब यह है कि 11th का जो ब्रेकअप हुआ है आपका, 11th का जो आपका सब्जेक्ट छूट गया, उसके ब्रेकअप की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप 11th की याद, थोड़ी सी बात पुरानी बात याद करें, आप हमें गजनी के आमिर खान बन जाएं। देखिए यूकैरियोटिक सेल में यस फेज क्या है। तो बेटा जब आप सेल साइकिल बनाते हैं, तो कभी आपको याद हो सेल साइकिल, तो आपने कभी सेल साइकिल, अगर पुरानी बात मैं आपको याद करा रहा हूं कि अगर आप सेल साइकिल देखें, तो सेल साइकिल में दो फेज होते हैं। एक फेज होता है जिसे हम लोग इंटरफेज कहते हैं। आप ये पढ़े हुए हैं कि इसे इंटरफेज है। इस इंटरफेज के फर्दर तीन फेज होते हैं, अगर आपको याद होते, एक होता है G1, एक होता है यस, और एक होता है G2। इसका जो दूसरा फेज होता है, उस फेज को हम लोग माइटोटिक फेज कहते हैं। अगर आपको याद है सेल साइकिल का ये फेज है जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं। इस फेज में अगर आप देखें तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस माने, अगर आपको याद है तो याद करिए, कैरियोकाइनेसिस में चार फेज होते थे। मैं आपको पुरानी बात याद करा रहा हूं, बिना पुरानी बात याद किए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। एक होता था प्रोफेज, एक होता था मेटाफेज, एक होता था एनाफेज। ये देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और एक फेज होता था जिसे हम लोग टेलोफेज कहते थे। ये चार फेज होते थे सेल साइकिल में, और इसके बाद अगली स्टेप होती थी जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगर इसी चीज को हम लोग सेल में देखें, अगर हम यहां एक सेल बनाएं, ये देखिए सेल है, ये सेल साइकिल है। अगर आपको 11th का, मैं क्लास 11th का आपको याद करा रहा हूं, आपको ये पहली बात समझ लेना है, क्लास 11th की बात याद करा रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो मान लो ये पेरेंट सेल है जिसको डिवीजन में जाना है, तो ये सेल साइकिल है। तो पहले ये सेल किस फेज में जाती है, G1 में जाती है। जब ये सेल G1 में जाती है, तो यहां पर ना इसके, मान लीजिए यहां पर इसका 2n बराबर 46 है, और डीएनए का अमाउंट 2c है। याद हुआ आपको,
यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 46 है और डीएनए का अमाउंट 2c है, तो जीवन फेज के फिर लास्ट में भी डीएनए का अमाउंट 2c होगा और क्रोमोसोम 2n बराबर 46 होता है, अगर आपको याद हो। लेकिन जब यह सेल यस फेज में जाती है तो यस फेज भी पूरा होने के बाद इस सेल की स्थिति क्या होती है, अगर आपको याद हो तो इसका डीएनए डबल हो जाता है 4c और क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका डीएनए कहां डबल हुआ, इसी फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि इस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ये देखिए, जब ये जी1 से यस में जाती है, फिर से जी2 फेज में जाती है, जी2 फेज में भी इसका डीएनए का अमाउंट अगर आपको याद हो तो डीएनए का अमाउंट होता है 4c और 2n बराबर होता है 46। फिर ये सेल आपने पढ़ा है कि प्रोफेज में जाती है, ये सेल मेटाफेज में जाती है, ये देखिए, फिर ये एनाफेज में जाती है, फिर ये टेलोफेज में जाती है। इस तरह से इसके न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये बात मैंने पढ़ाई थी क्लास 11th में, सेल साइकिल आप एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा। फिर साइटोकाइनेसिस होती है और इस तरह से एक सेल से दो सेल बन जाती है, मतलब आप समझे एक सेल से जो दो सेल बन जाती है, इन दोनों सेल्स में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, डीएनए जो है 2n/46 है और डीएनए 2c है। तो आखिर इस सेल साइकिल में डीएनए का अमाउंट डबल कहां हुआ, इस सेल साइकिल में डीएनए का अमाउंट इस यस फेज में हुआ, किस सेल में यस फेज में हुआ, किस सेल में यस फेज में हुआ, किस सेल में यस फेज हुआ, क्योंकि ये सेल है यूकैरियोटिक सेल। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल होती, कोई प्रोकैरियोटिक सेल होती, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसका कोई डेफिनेट नहीं फेज है, जी1 फेज, यस फेज, जी2 फेज, तीनों फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो आपको ये बात सीखनी है कि डीएनए का रिप्लिकेशन कम होता है, आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल में कोई टाइम इसका डेफिनेट नहीं है, यूकैरियोटिक सेल के ये इंटरफेज में होती, मतलब यस फेज में होती है। यस फेज को हम लोग अगर आपको याद हो तो इसे हम लोग सिंथेटिक फेज कहते हैं, कौन सा फेज कहते हैं, सिंथेटिक फेज कहते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, ये है सिंथेटिक फेज। अब आप इसका देखें, अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, तो टाइप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन आप देखें कि डीएनए रिप्लिकेशन के टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ये देखिए टाइप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन कितने तरीके के हैं, ये आपको देखना है आपकी किताब में, या कितने मैक्सिमम हो सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आप ऐसे इस बात को समझे, ऐसे समझना है आपको इस बात को, यहां समझे सारे लोग ध्यान दें कि मान लेते हैं ये हमारा पेरेंट डीएनए है, ऐसे समझें आप कि ये हमारा पेरेंट डीएनए है, मतलब ये वो सेल है जो सेल साइकिल में इंटर कर रही है, उस सेल के न्यूक्लियस पे पड़ा हुआ डीएनए है। तो अब इस डीएनए का रिप्लिकेशन कितने तरीके से हो सकता है ये देखना है आपको। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन हो तीन तरीके से हो सकता है, हो सकता है पहला तरीका यह है कि इससे दो तरह के डीएनए बने, दो तरह के जो डीएनए बने, ये देखिए, ये देखिए, एक तो ये ओल्ड हो, ये ओल्ड डीएनए हो, मतलब इसका इसमें ओल्ड हो, भाई एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, और दूसरा तरीका ये हो कि एक न्यू स्ट्रैंड बने, मतलब एक न्यू डीएनए बने और एक ओल्ड डीएनए बने, ये पहला तरीका है। मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बने, जब एक डीएनए से दो डीएनए बने तो एक डीएनए में पुराने पुराने स्ट्रैंड हो और एक डीएनए में नए नए स्ट्रैंड हो। इस तरह के डीएनए के स्ट्रैंड, इस तरह के रिप्लिकेशन को हम लोग कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं, कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं, ये पहला तरीका है। इसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी ने नहीं किया है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, फिर से समझ लेना कि एक डीएनए से अगर दो डीएनए बने, एक नया स्ट्रैंड बने, सफेद वाला नया स्ट्रैंड है और ये जो पिंक कलर का है ये ओल्ड स्ट्रैंड बने, एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, ये तो आपने यही देख लिया है। तो अगर एक नया बने और एक पुराना पुराना वाला रहे तो इसे हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका यह है कि कुछ दूर तक नया बने फिर कुछ दूर तक पुराना बने, ये देखिए इस तरह से डीएनए का रिप्लिकेशन हो, इस तरह से। तो आप देखिए इस पे जो व्हाइट चौक है वो पुराना स्ट्रैंड है, लेकिन जो न्यू व्हाइट चौक है ये देखिए इसमें जो, मतलब ये क्लियर नहीं है कि ओल्ड कहां है और न्यू कहां है। तो एक दूसरा तरीका यह है, अगर आप इस तरीके को देखें तो इस तरह के रिप्लिकेशन को डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन कहते हैं, यह दूसरा तरीका है डीएनए के रिप्लिकेशन का, यह दूसरा तरीका है।
जिसमें ओल्ड और न्यू अल्टरनेट होते हैं, कोई स्ट्रैंड ही नहीं होता है। कितना गजब का तरीका है डीएनए का। एक डीएनए का तरीका है जिसमें एक न्यू ओल्ड स्ट्रैंड है, एक एक डीएनए में और एक में न्यू स्ट्रैंड है। एक डीएनए का है जिसमें ओल्ड न्यू अल्टरनेट है। और तीसरा तरीका आप देखें जो आपको सबसे अच्छा तरीका लगेगा, ये देखिए अगर आप इसमें देखें तो ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये देखें तो आप ये सॉरी ओल्ड स्ट्रैंड है। और आप इसमें देखें तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें जो ये व्हाइट वाला है ये न्यू स्ट्रैंड है। तो अगर आप इसका पूरा देखें तो इस तरह के रिप्लिकेशन को हम लोग कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं। ये देखिए इसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। ये तो इस तरह से अगर आप देखें तो डीएनए की रिप्लिकेशन तीन तरह की हो गई। पहला तरीका हो गया जिसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड से एक न्यू है, दूसरा अल्टरनेट है, और तीसरा जो है एक स्ट्रैंड न्यू है। अगर आप चाहते देख लें तो ये व्हाइट वाला स्ट्रैंड क्या है, न्यू है, न्यू स्ट्रैंड है। ये व्हाइट वाला क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। लेकिन जो ये ओल्ड वाला स्ट्रैंड है ये ओल्ड है और ये भी क्या है, ओल्ड है। तो वो रिप्लिकेशन जिसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बने, लेकिन ध्यान रखें कि वो जो डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड हो और एक न्यू स्ट्रैंड हो, इस तरह की रिप्लिकेशन को कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, सॉरी कंजर्वेटिव ना कहकर इसे हम लोग सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं। ये कंजर्वेटिव है, ये डिस्पर्सिव है, ये सेमी कंजर्वेटिव है। अभी तक की जो जानकारी में है सबसे ज्यादा रिप्लिकेशन जो मतलब साइंटिस्ट जिसे महसूस करते हैं, जिसे मानते हैं, वो तीसरा वाला है। मतलब ये जो तीसरा वाला कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन है, ये वाला ये मोस्ट एक्सेप्टेड रिप्लिकेशन है जिसकी चर्चा साइंटिस्ट करते हैं, जिसकी चर्चा आपकी इस खूबसूरत एनसीईआरटी ने भी किया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये वाला कौन सा रिप्लिकेशन है। तो अब आपको देखना यह है कि जैसे पुराने आपने बात याद किया था कि सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो वही वाटसन क्रिक हैं। आप ध्यान रखें बदल नहीं गए हैं, आपके पड़ोसी हैं जो आपके दिमाग में भरे हुए हैं। वही वाटसन और क्रिक ने डीएनए के इस रिप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को दिया था, आपकी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। मैं बार बार एनसीईआरटी का नाम लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर डीएनए के इस मॉडल को दिया, इस सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया, वाटसन और क्रिक दोनों ने। टाइम था वही पुरानी बात 1953। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इन अ डीएनए रिप्लिकेशन, अगर आप देखें कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन है, इन अ डीएनए रिप्लिकेशन, इन अ डीएनए रिप्लिकेशन अपेरेंट डीएनए forms its identical copy that contains one old strand and one new strand। कितनी सिंपल सी बात है अगर आप समझें कि डीएनए इस सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन में हो क्या रहा है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल अपनी तरह से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे एक डीएनए से जब दो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो दो नए डीएनए बन रहे हैं उन डीएनए में एक नया स्ट्रैंड है और एक पुराना स्ट्रैंड है। आप ये देखें ये हमारा पुराना स्ट्रैंड है डीएनए का, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि सर ये ओल्ड स्ट्रैंड है, मतलब ओल्ड डीएनए है ये, या हम लोग इसे कह सकते हैं कि सर ये पेरेंट डीएनए है। तो जब इस डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे तो आपको ये बात सीखनी है कि ये देखिए जब दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, ऐसे कह सकते हैं, चाहे पेरेंटल स्ट्रैंड कहें, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, ये आप समझ सकते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड है। ये भी स्ट्रैंड कैसा है आपको सिंपली समझना है, सर ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, लिख दीजिए पेरेंटल स्ट्रैंड है। और फिर आप क्या करें, ये देखिए ये न्यू स्ट्रैंड है, ये जो है ये न्यू स्ट्रैंड है। मतलब एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जिसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड बने और एक न्यू स्ट्रैंड बने।
इस तरह के रिप्लिकेशन को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं। ये बात ध्यान रखें वाटसन और क्रिक ने कही कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे, किस फेज में बनेंगे, यस फेज में सेल साइकिल के। जब डीएनए मॉलिक्यूल दो बनेंगे तो एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, आपको इसका पूरा ख्याल रखना है। अब इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना था, तो अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना चाहते हैं कि इसे किसने प्रूफ किया था, तो अब इसका प्रूफ दो अलग अलग जगहों पर लोगों ने किया। पहला जो प्रूफ था वो था प्रोकैरियोटिक सेल में, आपको इसमें देखना है कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल में इसका किसने प्रूफ किया, इसको देखना है। दूसरा आपको देखना है कि इसको क्या यूकैरियोटिक सेल में भी प्रूफ किया गया, दोनों सेल में प्रूफ करना है कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। लोगों ने लोग पीछे पड़ गए कि यह सही 1953 में लोग कह रहे हैं, लोग पीछे पड़ गए क्या सही है। तो जैसे आप पीछे पड़ जाते हैं वैसे भी पीछे पड़ गए, आप भी तो पीछे पड़ जाते हैं किसके क्वेश्चन के, गलत मत समझिए उसको। प्रोकैरियोटिक सेल में जब इसके प्रूफ की बात आई तो ये देखिए, ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मिजेलसन। ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मिजेलसन एंड इनके एक सगे भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, इनका नाम है स्टार। टाइम है 1958 का। इन्होंने अपना प्रयोग स्टेराचिया कोलाई पे किया, और अपने प्रयोग पे जब इन्होंने स्टेराचिया कोलाई पे इस्तेमाल किया तो इन्होंने नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया इस बात को समझने के लिए कि क्या ये सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन है, होता है सेल के अंदर। तो इसमें इन्होंने नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 का एक्सपेरिमेंट ये किया, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 का, 15 और 14 का एक्सपेरिमेंट अपने इस्तेमाल किया। और यहाँ पर जो भी सेपरेशन था वो डेंसिटी ग्रेडियंट का इन्होंने ध्यान रखा। अभी मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि यही बात एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, आपको सीखना है। डेंसिटी ग्रेडियंट किया सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में। ये पहला प्रूफ आया मिजेलसन रिस्टाल का, ध्यान रखें प्रोकैरियोटिक सेल में इस चोकोलाई पे किसका प्रयोग किया आपको बताना है, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 का इन्होंने एक्सपेरिमेंट पे इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। दूसरा जो इस्तेमाल किया एक साइंटिस्ट है उनका नाम केयर्स है, थोड़ा सा आप साइंटिस्ट का नाम देखें, केयर्स से केयर्स कर लेते हैं। केयर्स ने भी लगभग इसी समय में एक्सपेरिमेंट किया, इनका भी एक्सपेरिमेंट जो था वो इकोलाई पे था, इकोलाई पे ही था, लेकिन इन्होंने इस बार ध्यान रखें, इन्होंने इस बार अपने एक्सपेरिमेंट में ट्राइटिएटेड थाइमिडीन का इस्तेमाल किया, ट्राइटिएटेड थाइमिडीन का इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप्स का, और इन्होंने इस्तेमाल किया, इसने इस्तेमाल किया ट्राइटिएटेड थाइमिडीन का। और इन्हीं केयर्स ने सबसे पहले थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन दिया, इन्होंने सबसे पहले आई ओपनिंग मॉडल दिया डीएनए के रिप्लिकेशन का। कहा जैसे ये आपके सुंदर नैना खिलते हैं आंख में, जैसे ये आंख खुल जाती है, ये आंख खुल जाती है सुंदर नैना, ऐसे डीएनए भी खुल जाता है, इसीलिए इनको थीटा मॉडल कहा गया। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में दो लोगों ने प्रूफ किया। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें कि यूकैरियोटिक सेल में इस मिजेलसन स्टाल के ये जो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन इसको किसने प्रूफ किया, तो इसका साइंटिस्ट का नाम है टाइलर एंड हिज कलीग्स। ये साइंटिस्ट है, कलीग्स माने आप समझते हैं आपके जो मित्र हैं, मतलब कलीग्स का सेंस है। टाइलर और उनके मित्रों ने इस पे प्रयोग किया। ये भी समय वही है, प्रूफ करने वाला टाइम 1958 है, ये भी 1958 का एक्सपेरिमेंट है, वो भी 1958 का एक्सपेरिमेंट है। टाइलर ने जो एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया, इन्होंने भी थाइमिडीन का यूज किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। और इन्होंने जिस प्लांट पे काम किया उस प्लांट का नाम विसिया फेबा था। विसिया फेबा एक प्लांट है, इस प्लांट पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया कि डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये अब आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे ये बात पूछी जाती है
कि यूकैरियोटिक सेल में इसे किसने प्रूफ किया, तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है ये वाला। दूसरा आपसे ये पूछा जाता है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, अच्छा क्यों पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये और ये दोनों चीजें जो हैं बेहतरीन तरीके से आपकी इस खूबसूरत एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। तो आपको दोनों के डेट किस पे इस्तेमाल किया, किस चीज का इस्तेमाल किया, इसका पूरा ध्यान रखना है। और क्या प्रूफ कर रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है, ध्यान रखें, यहां पर मैंने लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, किसके लिए, किसके लिए, क्लियर कर देता हूं, कहे डर रहे हो, फॉर सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये। ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसी इसकी डिफिनेशन है और ये प्रूफ है। अब आइए हम आपको सिखाते हैं मिजेलसन और स्टॉक एक्सपेरिमेंट। देखिए अब बोर्ड पे ये एनसीईआरटी में है आपके यहाँ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब मैंने अभी आपको पीछे बताया कि रिप्लिकेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में, कि एक पैरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से जब दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड हो, इस तरह के सेमी रिप्लिकेशन को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं। 1953 में ये वाटसन क्रिक ने कहा और 1958 में ये बात प्रूफ की इन दोनों लोगों ने, मिजेलसन और स्टॉल ने, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इस चिराचे कोलाई पे इस्तेमाल किया। आप एक बात देखिए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। ये देखिए एक नाइट्रोजन 15 का और दूसरा नाइट्रोजन के 14 का, दो आइसोटोप्स का इनका इस्तेमाल किया इसने। इसने डेंसिटी ग्रेडियंट को क्लियर करने के लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट को क्लियरिफाई करने के लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट को क्लियरिफाई करने के लिए इन्होंने इस बैक्टीरिया को सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डाला। मतलब आपको तीनों बात याद रखनी है। सबसे बात याद रखनी है कि इन्होंने इस बैक्टीरिया पे काम किया, इनके हैवी आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया, ये डेंसिटी ग्रेडियंट है सीजियम क्लोराइड का जिसपे काम किया इन्होंने। एक चीज और आपको मैंने बार बार में बताता हूँ, प्रोब किसे कहते हैं ये बात आप सीख लें। प्रोब माने होता है कि जब किसी जेनेटिक मटेरियल को, मतलब डीएनए या आरएनए को, जेनेटिक मटेरियल को आप किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल से जोड़ देते हैं, किसी जेनेटिक मटेरियल को किसी भी आप रेडियोएक्टिव मटेरियल से जोड़ देते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल से जोड़ देते हैं, तब उसे हम लोग प्रोब कहते हैं। ये देखिए ये प्रोब है। अब इन्होंने किया क्या, ये बात आप सीखें। इन्होंने अपना स्टेप सबसे पहला ये इन्होंने किया, स्टेप फर्स्ट ये किया कि इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन 15 के सोल्यूशन में, नाइट्रोजन 15 के सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में इंटर करा दिया। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया। मतलब ई कोलाई है, ऐसे आप समझिए ये बैक्टीरिया है और इन्होंने इस बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया है इसको नाइट्रोजन 15 के, मतलब ये एक मीडियम है जिसमें नाइट्रोजन 15 भरा हुआ है, इस मीडियम में इन्होंने इस चिराचे कोलाई बैक्टीरिया को इंटर कराया। जब इन्होंने इस चिराचे कोलाई को नाइट्रोजन 15 के उसमें इंटर करा दिया, तब इनको देखने को क्या मिलता है, देखने को इनको ये मिलता है, आप यहां से सीखेंगे कि जब इन्होंने नाइट्रोजन 15 के मीडियम में इस डीएनए को अलाइव करा दिया, तो ये देखिए इस डीएनए के मॉलिक्यूल में दोनों जो स्ट्रैंड थे वो नाइट्रोजन 15 से अटैच हो गए। समझिए इस बात को, फिर से समझ लें कि इस चिराचे कोलाई जो बैक्टीरिया है जिसके डीएनए पे कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं है, उसको उन्होंने नाइट्रोजन 15 के मीडियम में डाला, तो इसके जो दोनों स्ट्रैंड थे उन दोनों स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजन 15 जो है अटैच हो गया। जब नाइट्रोजन 15 अटैच हो गया तो ये नाइट्रोजन जो 15 है ये हैवी आइसोटोप्स है नाइट्रोजन का, हैवी आइसोटोप्स है। अब इन्होंने इसे अटैच कर दिया, मतलब अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पे, दोनों स्ट्रैंड्स पे इस बैक्टीरिया के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजन 15 जो है अटैच हो गया। अब इन्होंने इसी बैक्टीरिया को फर्दर जो है दूसरे मीडियम में डाला, जब ये रिप्लिकेशन इसका बैक्टीरिया का हो रहा था, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसका रिप्लिकेशन जब हो रहा था, तो इन्होंने इस बैक्टीरिया को इसी सेल के, अब इन्होंने इसको नाइट्रोजन 14 के सोल्यूशन में डाला। जब नाइट्रोजन 14 के सोल्यूशन में डाला तो देखिए यहां क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया मतलब एस्चेराइचिया कोलाई बैक्टीरिया जो है ये 20 मिनट में डिवाइड होता है। पहले आप ये नोट कर लें कि एस्चेराइचिया कोलाई बैक्टीरिया जो है इसका डिवीजन हर 20 मिनट में एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। पहली बात आप ये सीख लें
कि एक सेल से दो सेल बनने में हर 20 मिनट में एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है इस चयापचय कोलाई में। तो अब जब इन्होंने नाइट्रोजन 15 के सॉल्यूशन में डाला तो ये देख ये रहे हैं कि इस डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 के से ये अटैच हो गया। अब फिर इन्होंने इसको सीजन क्लोराइड के मीडियम नाइट्रोजन 14 में डाला। अब इस तरह से ये एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया क्योंकि 20 मिनट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 20 मिनट में डिवाइड हो गया तो देख ये रहे हैं कि इसमें एक स्ट्रैंड तो ओल्ड है और एक स्ट्रैंड न्यू है। आप ऐसे देख लें, ये देखिए। तो मैं अगर आपसे यही बात यहां कहूं कि 20 मिनट बाद 20 मिनट यहां क्यों लिखा गया, अगर आप समझें तो 20 मिनट इसलिए लिखा गया कि एक सेल से दो सेल बनी। अगर मैं यहां कहूं ये कौन सा डीएनए है तो आप कहेंगे सर ये पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए के कौन कौन से नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं, दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 से अटैच है, ये बात आपको सीखनी है। अब आपने इस नाइट्रोजन 15 को नाइट्रोजन 14 में डाला, ये देखिए। तो जब नाइट्रोजन 14 में आपने डाला तो 20 मिनट बाद हमको ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए कि 20 मिनट बाद एक डीएनए से जब एक मतलब F1 जनरेशन में एक डीएनए से एक सेल से जब दो सेल बनी तो ये देखिए ये। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये देखिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें पिंक वाला क्या है तो आप कहेंगे सर ये नाइट्रोजन 15 है, ये वाला क्या है नाइट्रोजन 15 है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ये कौन सा है तो आप कहेंगे सर ये नाइट्रोजन 14 है और ये भी क्या है। अगर आप इससे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ये भी नाइट्रोजन 14 है। ये कितने दिन बाद बनी, अब अगर मैं पूछूं ये कौन सी जनरेशन, आप कहेंगे सर ये तो F1 जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, एक सेल से दो सेल बनी और उसका जो डीएनए का मॉलिक्यूल था आप देखें तो इसमें दो डीएनए के मॉलिक्यूल बने और दोनों क्या हैं, बोथ हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड आपने क्यों कहा, क्योंकि दोनों में बेटा क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 दोनों में है। ये 20 मिनट बाद हुआ। फिर आगे इन्होंने इसी सेल को, आप यहां समझें, इस सेल को फिर से डिवीजन में अलाउ कराया, मतलब दूसरी जनरेशन के लिए। तो जब दूसरी जनरेशन के लिए अलाउ किया तो अब देखिए टाइम क्या आ गया, 40 मिनट होगा लगेगा। जब 40 मिनट लगेगा तो क्या होगा, अगर आप इसको देखें तो अब होगा ये कि देखिए नाइट्रोजन 14 के ये दो स्ट्रैंड्स बनेंगे, नाइट्रोजन 14 के और ये भी नाइट्रोजन 14 के दो स्ट्रैंड्स बनेंगे, ये दोनों न्यू है, इससे बनेंगे ऊपर वाले से। और नीचे वाले को अगर आप देखें, नीचे वाले का अगर आप देखें तो ये कौन सा है, नाइट्रोजन 14 वाला है। लेकिन अगर आप इस पे देखें तो ये क्या है, नाइट्रोजन 15 है। ये वाला जो है अगर आप समझे बेटा तो ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि इसके दोनों स्ट्रैंड्स नाइट्रोजन 14 से अटैच्ड है। लेकिन ये हाइब्रिड है क्योंकि इसका एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 से अटैच है और इसका एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 से अटैच है, ये ऊपर वाले डीएनए का है। लेकिन अगर आप नीचे वाले का देखें तो क्या हो रहा है, नीचे वाले का अगर आप इस वाले डीएनए का देखें डिवीजन इसका, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए ये नाइट्रोजन 15 है एक स्ट्रैंड और इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है वो नाइट्रोजन 14 है। बोलिए हाइब्रिड है, बोलिए कि सर ये हाइब्रिड है, बोलिए हाइब्रिड है। लेकिन इससे जो दूसरा बनेगा उसकी स्थिति देखिए, अगर आप इसके दूसरे वाले को देखते हैं तो ये देखिए ये नाइट्रोजन 14 है और ये नाइट्रोजन 14 है, ये कौन सी जनरेशन है, अगर आप इसे F1 कह रहे हैं तो ये F2 जनरेशन है। अगर इस F2 जनरेशन में आप देखें तो टोटल डीएनए का मॉलिक्यूल कितना है, 4 है। बोलिए कितना है, 4। 4 कौन कौन सा, एक ये है, 2, 3, 4। तो 4 डीएनए में अगर आप देखें तो 2 हाइब्रिड हैं। कौन कौन से 2 हाइब्रिड हैं, वो जो बीच में बने हैं, ये दोनों क्या हैं, हाइब्रिड हैं। और 2 क्या हैं, नॉर्मल हैं। नॉर्मल कौन से हैं, अगर आप ध्यान से देखें ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो अगर आप इसको हाइब्रिड और नॉर्मल का रेशियो देखते हैं तो ये 1:1 है। ये तब देखते हैं जब आप डीएनए देख रहे हैं, टोटल डीएनए देख रहे हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रैंड देखना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रैंड देखना चाहते हैं तो टोटल स्ट्रैंड 8 है। 8 स्ट्रैंड में 2 नाइट्रोजन 15 है, 2 स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 के हैं और 6 स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 के हैं। ये देखिए 6 स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 के हैं। अगर आप स्ट्रैंड का रेशियो देखेंगे तो ये 1:3 आएगा। इस जनरेशन स्ट्रैंड का ध्यान रखें,
ये चार डीएनए का है, ये जब आप डीएनए का देखते हैं और स्ट्रैंड का देखते हैं, लेकिन जनरली हम लोग डीएनए का देखते हैं, स्ट्रैंड का नहीं देखते हैं। ये कौन सी जनरेशन है? एफ टू जनरेशन है। अगर आप इसकी एफ थ्री जनरेशन देखें, एफ थ्री जनरेशन मतलब कितने मिनट में होगी? ये डीएनए जब डिवाइड होगा तो क्या होगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि ये अगर रिप्लीकेट कर जाए तो क्या स्थिति बनेगी, आप कहेंगे सर इससे जो दोनों डीएनए बनेंगे, अगर आप देखें इससे जो दोनों डीएनए बनेंगे वो कौन से होंगे? नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 14। थोड़ा सा यहां फोकस करना है, थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है आपको, दोनों स्ट्रैंड उसके नाइट्रोजन 14 के बने, लेकिन अगर इससे अगर दोनों बनेंगे दोनों नाइट्रोजन 14 के बनेंगे। ये देखिए, ये भी नाइट्रोजन 14 है और ये भी नाइट्रोजन 14 है। ये वाला अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा? अगर ये वाला डिवाइड होगा, ये वाला डिवाइड होगा तो एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 का होगा, लेकिन एक स्ट्रैंड होगा, ये देखिए एक स्ट्रैंड होगा जिसमें नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 दोनों होंगे। ये देखिए, ये 80 मिनट पे होगा, मतलब आप देखिए ऊपर चार में एक हाइब्रिड, तीन नॉर्मल है। 80 मिनट पे देखें, अगर इसी तरह से आप इसका डिवीजन देखें, इस वाले का देखें, तो क्या स्थिति होगी? इसका एक डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा जो नाइट्रोजन 14 होगा, लेकिन इसका दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, ये देखिए, जो नाइट्रोजन 14 होने के साथ साथ नाइट्रोजन 15 भी होगा। इसका अगर आप डिवीजन देखें ये वाले का, तो आप ये देखिए, ये बनेगा और फिर ये बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नॉर्मल कितने हैं, डीएनए अगर देखा जाए, स्ट्रैंड हटा दीजिए, स्ट्रैंड में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका डीएनए का रेशियो 1:1 है। अगर आप इसका देखें, मतलब 80 मिनट बाद देखें तो स्ट्रैंड टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चार डीएनए से 8 डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। 8 में कितने हाइब्रिड है देखिए बताइए। अगर हाइब्रिड आप 8 देखते हैं तो एक हाइब्रिड ये है और एक हाइब्रिड ये है, तो टोटल हाइब्रिड इस एफ थ्री जनरेशन में कितना हुआ? एफ थ्री जनरेशन अगर आप देखते हैं तो इसमें टोटल हाइब्रिड हुआ कितना? 2 हाइब्रिड हुए, क्लियर लिख लीजिए, 2 हाइब्रिड हुए और 6 नॉर्मल हुए। 2 हाइब्रिड हुए, 6 नॉर्मल हुए, तो रेशियो क्या आएगा? 1:3। मतलब अगर आप देखें तो इसके एफ वन जनरेशन में तो सारे हाइब्रिड है, एफ टू जनरेशन में 2 हाइब्रिड और 2 नॉर्मल है, एफ थ्री जनरेशन में देखें 2 हाइब्रिड 6 नॉर्मल है। 6 नॉर्मल कौन सा है? ये देखिए, ये 2 हाइब्रिड है और 6 नॉर्मल है, तो हाइब्रिड रेशियो कितना आएगा? 1:3 आएगा। ये कौन सी जनरेशन है? ये एफ थ्री जनरेशन है। मतलब अगर आपको इसको लिखना हो कि एफ टू जनरेशन में रेशियो क्या है हाइब्रिड और उसका, हाइब्रिड का और नॉर्मल का, हाइब्रिड और नॉर्मल का रेशियो ये है, ये देखिए ये रेशियो है एफ टू में। अगर आप एफ थ्री में देखें, यहां पे अगर आप इसे एफ थ्री में देखते हैं तो रेशियो क्या आता है? हाइब्रिड कितना है? 1 है, नॉर्मल कितना है? 3 है। अगर आप इसका, ये 80 मिनट बाद होगा, लेकिन अगर आप इसका ये 4 देखें तो आप देखें ये 4 भी कितने बनेंगे? ये डीएनए के मॉलिक्यूल 8 है, 8 का बनेगा 16, बोलिए हाँ, 16 में कितने हाइब्रिड होंगे? तभी तो ही हाइब्रिड होंगे, 16 में हाइब्रिड कितने होंगे? 2 होंगे, तो रेशियो क्या आएगा? अगर आप देखें 2, तो रेशियो इसका आ जाएगा 2:14, तो 1:7 आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप देखें डीएनए के मॉलिक्यूल का, जब ये जिस डीएनए की रिप्लिकेशन हो रहा है, आपके एनसीईआरटी ने पूछा है कि 80 मिनट बाद रेशियो क्या होगा, तो 80 मिनट बाद आप रेशियो बता दीजिएगा, सर 80 मिनट बाद हाइब्रिड और नॉर्मल का रेशियो 1:3 होगा। लेकिन अगर 120 पूछे कि 120 बाद क्या होगा, तो हाइब्रिड नॉर्मल का रेशियो 1:17 होगा, 1:7 होगा। इस तरह से आप देखें तो लगातार आपको रिप्लिकेशन डीएनए का दिखाई पड़ता है, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन दिखाई पड़ता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है। यह बात प्रूफ कौन कर रहा है? यह बात प्रूफ कर रहे हैं मिजेलसन और स्टाल। एस्चेरिचिया कोलाई है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। मतलब आपको बात समझनी है कि ये एक्सपेरिमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में किया जाता है। मैं आपको बता दूं, अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि एफ टू जनरेशन में, एफ थ्री जनरेशन में क्या रेशियो होगा डीएनए का। आप इसे बनाते चले जाएं, एनसीईआरटी ने यहां तक बना रखा है, तो यहां तक तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 हाइब्रिड है और 2 नॉर्मल है, तो रेशियो निकल आया। एफ थ्री का अपने आप निकाल लीजिए, इससे एक हाइब्रिड एक नॉर्मल बनेगा, लेकिन ये जो किनारे किनारे हैं इससे केवल नॉर्मल बनेंगे, तो इससे 2 नॉर्मल बनेगा, इससे एक हाइब्रिड एक नॉर्मल बनेगा, इससे एक हाइब्रिड एक नॉर्मल बनेगा, इससे 2 नॉर्मल बनेगा, तो टोटल नॉर्मल कितने हाइब्रिड हुए?
तो टोटल 8 में 6 नॉर्मल हुए, 2 हाइब्रिड हुए। रेशियो क्या आया नॉर्मल हाइब्रिड का? रेशियो क्या आया नॉर्मल हाइब्रिड का? नॉर्मल 2 है, हाइब्रिड सॉरी हाइब्रिड 2 है, नॉर्मल 6 है, तो रेशियो 1:3 आया। लेकिन नॉर्मल हाइब्रिड का पूछेगा क्या होगा? 3:1 हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल पहले लिख दें, हाइब्रिड बाद में लिख दें, तो रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। लेकिन अगर पहले हाइब्रिड लिख दिया बाद में नॉर्मल लिख दिया तो 1:3 हो जाएगा। ये बात सीखनी है आपको। तो इस तरह से मिजेलसन और स्टाल ने 1958 में प्रोकैरियोटिक सेल में इस बात को प्रूफ की। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी जब आप पलटेंगे तो यहां पर लिखा है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, टाइलर, और इनके एक मित्र हैं टाइलर और उनके कलीग हैं टाइलर एंड हिज कलीग। ये देखिए, इन लोगों ने इसी बात को 1958 में ही यूकैरियोटिक सेल में प्रूफ किया। इसी सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को यूकैरियोटिक सेल में प्रूफ किया। कौन सी सेल थी? अगर आपसे कोई पूछे सेल का नाम बताइए, सर वो सेल जो है उस सेल का नाम विसिया फेबा प्लांट है। इस प्लांट पे इन्होंने किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना है। इसका रेशियो आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो रेशियो है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात आपको यहां रखनी है। आइए देखा जाए डीएनए रिकॉर्ड रिप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे है, इसकी सही मशीनरी क्या है। तो डीएनए के रिप्लिकेशन में अगर आप रिक्वायर्ड मटेरियल्स देख लें कि हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो हम लोग ये क्लियर कर लें कि हमें डीएनए के मटेरियल डीएनए में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले डीएनए बनाने के लिए हमें सबसे पहले डीएनए चाहिए भाई, तभी तो कॉपी बनाएंगे। दूसरी बात आप ये देखें, डीएनए बनाने के साथ हमको ये देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फास्फेट चाहिए। मतलब अगर आप समझ पाए तो ये जो है हमको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन सब ट्राइफास्फेट के फॉर्म में चाहिए। इनका दो काम है, इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट का दो काम है। इसका पहला काम है कि डीएनए बनाने के लिए ये एक्ट एज सबस्ट्रेट, मतलब जब डीएनए बनेगा तो ये सबस्ट्रेट का काम करता है। दूसरा, ये जो है प्रोवाइड एनर्जी, दूसरा काम करता है प्रोवाइड एनर्जी फॉर रिप्लिकेशन, मतलब जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है उसके लिए ये प्रोवाइड एनर्जी फॉर रिप्लिकेशन, उसके लिए जो है ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। एनसीईआरटी ने इसके दो फंक्शन किए, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के हमको ट्राइफास्फेट के फॉर्म में चाहिए, जबकि सेल के न्यूक्लियस में वो मोनो के फॉर्म में होते हैं। इसके सिवा हमको एटीपी चाहिए, क्योंकि रिप्लिकेशन जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। जो डीएनए का रिप्लिकेशन है कैसी प्रोसेस है? वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, मतलब उसमें एनर्जी खर्च होती है, ऐसे फ्री में कोई काम नहीं होती है। बिना आप ऐसे भी जानते हैं कोई भी रिएक्शन होती है, ज्यादातर सारी रिएक्शन में एनर्जी खर्च होती है। हमको डीएनए चाहिए, हमको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट चाहिए, हमको एटीपी चाहिए, हमको आयंस चाहिए। डीएनए के रिप्लिकेशन में मेनली दो आयंस जिम्मेदार हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ये दो आयंस चाहिए जो इस्तेमाल में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एंजाइम्स हैं। आपको एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं कि डीएनए के रिप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं। तो अगर आप एंजाइम्स के नाम याद करना चाहते हैं तो आप एंजाइम्स के सारे नाम याद कर लें। सबसे पहले हमको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम अनवाइंडेज है। इसका नाम अनवाइंडेज है या इसी का नाम हेलिकेज है, जो पसंद आए आप याद कर लें, हेलिकेज या अनवाइंडेज। ये पहला एंजाइम है, ये इट ओपन्स डीएनए स्ट्रैंड। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस एंजाइम का इस्तेमाल कर देंगे तो डीएनए की स्ट्रैंड खुल जाएंगे। याद करिए इसको, मतलब अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और आपने इस पे इस एंजाइम का इस्तेमाल किया तो दोनों की स्ट्रैंड अपने आप स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाएंगे। इसके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है। दूसरा एंजाइम देखिए, एंजाइम्स पे जो दूसरा नाम आता है अनवाइंडेज के बाद, वो आता है टोपो आइसोमेरेज।
टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए में गायरेशन को रिलीज करता है. इट कट एंड रिज्वाइन डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए की स्ट्रैंड को कट और रिज्वाइन करता है ताकि उसका जो गायरेशन है वो रिलीज हो जाए, एंड रिलीज टेंशन कह सकते हैं. इसके बाद अगली जो प्रोटीन है उसका नाम SSPPS है. यह है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये नॉन एंजाइमेटिक होती है. डीएनए की स्ट्रैंड को जो है जब डीएनए ओपन हो जाता है तो ओपनिंग में मदद करती है. शॉर्ट में इसको SSBPS कहते हैं. ये नॉन एंजाइमेटिक होती है, मतलब डीएनए का जब स्ट्रैंड ऐसे खुल जाता है तो उसको लिए स्ट्रैंड को ऐसे बनाए रखती है. कभी कभी लोग इसको हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन भी कहते हैं. हेलिक्स, मान लीजिए कहीं लिखा हो तो आपको डर ना लगे, इस प्रोटीन का नाम हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन है. हम आपको सारे एंजाइम एक बार पढ़ा देते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या या कोई परेशानी ना दिखाई पड़े. इसका दोनों नाम है, कंफर्म कर लीजिए. ये डीएनए हेलिक्स को खोलता है, जब डीएनए हेलिक्स को खुल जाती है ऐसे तो उसके गायरेशन को ये रिलीज करता है और ये जो है खुले हुए स्ट्रैंड को मेंटेन रखता है. ये सारे जो है आपको यूकैरियोटिक सेल में दिखाई पड़ेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो. प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो एक एंजाइम है जिसका नाम गायरेज है. ये गायरेज जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई पड़ेगा, मतलब एंजाइम से, इसलिए आपको मैं सिखा दे रहा हूं. प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई पड़ेगा आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई पड़ेगा. और इट वर्क्स दो तरह के इसके फंक्शन होते हैं. दो लोगों का काम अकेले कर लेता है. एक ये अनवाइंडेज या हेलिकेज का काम कर लेता है, और दूसरा ये टोपोआइसोमेरेज का काम कर लेता है. मतलब दोनों लोगों का काम अकेले कर लेता है, आपको इसका ध्यान रखना है. मतलब ये इन दोनों एंजाइम्स के काम अकेले कर लेता है प्रोकैरियोटिक सेल में, गायरेज. इसके सिवा एक एंजाइम और होता है जिसे हम लोग प्राइमेज कहते हैं. ये एंजाइम है, ये प्राइमेज जो है ये आरएनए के प्राइमर बनाता है. ये भी एंजाइम है जो आपको सीखना है, आरएनए के प्राइमर बनाता है. ये भी आपको सीख लेना है, आरएनए के प्राइमर बनाता है. एक एंजाइम है जो फास्फोराइलेज है जो एटीपी का इस्तेमाल करके फास्फोराइलेशन करता है, मोनोफास्फेट को ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट कर देता है. ये देखिए, ये डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफास्फेट को, जितने भी फास्फेट हैं सबको डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट कर देता है. ये भी आपको याद रखना है. एक एंजाइम और यह है आपको याद करना है, एक एंजाइम है जिसका नाम डीएनए लाइगेज है. नाम याद कर लें, अभी आपको काम देगा. डीएनए लाइगेज है, यह डीएनए लाइगेज जो है डीएनए के स्ट्रैंड्स को बाइंड कर देता है. ये देखिए, और तीसरा लास्ट एंजाइम है जो मेनली आपको पढ़ना है, यह है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. यह एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है. इसी एंजाइम से पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए. मतलब जो पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए के अंदर वो एंजाइम करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए. मैं आपको एक कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा आपका, क्योंकि अभी बार बार आपके सामने आएगा तो वो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए. कंफ्यूजन क्या है आप देख लें, बार बार आप डाउट में आएंगे. जैसे एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ये पहला एंजाइम है. तो अगर आप ध्यान से देखें इस एंजाइम में यहां भी डीएनए लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम डीएनए से डीएनए बनाएगा. साफ साफ दिख रहा है, अगर आप सिंपल से सोचें तो ये एंजाइम क्या करेगा, साफ साफ लिखा है, देखिए डीएनए से डीएनए बनाएगा. नाम देख लीजिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सीधे सीधे लिखा है. ये पहला एंजाइम हो गया, ये बात आपको सीखनी है. दूसरा एंजाइम हो गया, नाम देखिए, डीएनए डिपेंडेंट नाम देखें आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट
देख बेटा इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अगर आप इस एंजाइम को देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे डीएनए से आरएनए बनेगा। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हुआ, अगर आपको क्लियर करना है तो डीएनए से यह क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। एंजाइम्स के नाम देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। ये दूसरा एंजाइम हो गया। एक तीसरा एंजाइम है, आपको मैं क्लियर करा दूं, नाम देखिए, नाम लिखा है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर आप इसका नाम देखें, इसका फंक्शन देखें, तो देखिए ये साफ साफ लिखा है कि ये आरएनए से डीएनए बनाता है, मतलब ये आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ये बात सीखनी है आपको, ये बात सीखनी है आपको, ये बात सीखनी है आपको, बंद कर दीजिए।